मैंने एफआईआर कराई है, एक आपराधिक मामले को लेकर कराई है, जो कि यहां से क्षेत्रीय विधायक आम आदमी पार्टी के सईराम पहलवान, जिन्होंने मेरे पे आज जानलेवा हमला करा और जिसको मुझे काफी इंजरी आई है, चोटें आई है। और कल रात्रि वो हमारे मोहल्ले में आते हैं, गली का निर्माण चल रहा था, आरसीसी चल वहां पे हो रही थी, रात को 12 बजे के करीब सईराम पहलवान आप पार्टी के यहाँ पे आके बोलते हैं कि ये काम उन्होंने बंद कराया। तो मैंने उन्हें स्थानीय विधायक को पड़ोसी मुझे जगाते हैं कि यहाँ पे जो काम बंद हो गया है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फोन करके कि ये आपने काम क्यों बंद कराया, आप मुझे इसे बताइए कि काम कराने का क्या 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 वो है। तो वो बोलते कि सुबह बताऊंगा तुझे जो है, और 2 मिनट रुक जरा जो है, सुबह मैं किसी काम से निकलता हूँ अपना जो है मेडिसिन लेने के लिए, और अचानक जो है सईराम और उसके भतीजे और का जो है मेरे पे जानलेवा हमला है, मेरी स्कूटी रोक के जो है अचानक जो है सईराम ने खुद मुझे जो है यहाँ से जो है हमला किया, उसके भतीजे ने सईराम ने अपने मेरे से बोला कि जान से मार दो सालों को, चाकू तलवार से जो निकाले काफी जो है यहाँ पे ये चोटें आई है, और जिसकी मैंने आरटीआई भी लगाई थी, जो कि वो इस प्रकार है कि कितना फंड क्या हुआ है मोहल्ले के लिए लेके, हमारी गली का जो है कार्य क्यों नहीं हो रहा है उसको लेके, ये विधायक की विकास की बात जो है हजम नहीं हुई आम पार्टी के विधायक को जो है कि आपने क्यों वो कहा ये है। उसके उसके बाद जो है आज इनके खिलाफ जो आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं, जो कि मुझे आगे भी डर है कि मैं डरा हुआ हूं। इनका भतीजा ललित सन ऑफ जनेश्वर सुभाष सन और खुद सईराम आप पार्टी के विधायक जो है मेरे पे आके पीछे से एकदम हमला करते हैं, डंडा से और लात घूसों से मारते हैं, और काफी बोलते हैं कि मारो साले को, खत्म कर दो इसको जो है। मैं सरकार से ये कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के जो है ऐसे उनसे बर्खास्त होना चाहिए, इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए।